क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज सीरीज चल रही है और सीरीज का पहला मैच एडबिस्टन में खेला गया। अब इस मैच का नतीजा भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन इस मैच को स्टीव स्मिथ की वापसी के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि स्मिथ ने दोनों ही पारियों में शानदार शतक लगाया और ऑस्ट्रेलिया की मैच में वापसी कराई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अंग्रेजों की शर्मनाक हरकतें जारी रही और एक बार फिर दोबारा से स्मिथ को अंग्रेजों ने मैदान में ही रुला दिया। लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियाई चुप नहीं रहे और ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग कोच रिकी पोंटिंग ने अंग्रेजों को करारा जवाब दिया। तो क्या हुआ एशेज के मैदान में ड्रामा और फिर कैसे पोंटिंग ने दिया करारा जवाब, सब कुछ आपको बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अंग्रेजों की इस गिरी हुई हरकत पर कमेंट जरूर करें। अब वैसे तो स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर अपनी गलती की सजा काटकर वापस आ चुके हैं और अब उन्हें सामान्य खेल खेलने दिया जाना चाहिए, मगर अंग्रेज खिलाड़ियों के साथ साथ अंग्रेज दर्शक भी खुद को दुनिया में सबसे आगे समझने लगे हैं। और आलम यह हो गया कि एक ही टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को दो बार अंग्रेजों ने रुला दिया। पहली बार पहली पारी में जब स्मिथ बैटिंग के लिए आए तो अंग्रेज दर्शकों ने सैंड पेपर्स और स्मिथ के रोने वाले मुखौटों से उनका मजाक उड़ाया, अब ये तो ठीक था। लेकिन अब जब अंग्रेजों की दूसरी पारी में स्टीव स्मिथ कप्तान टिम पेन की मदद कर रहे थे तो अंग्रेजों ने और भी गिरी हुई हरकत कर दी। अंग्रेजों ने मैदान से ही स्मिथ की हूटिंग शुरू कर दी कि ये कप्तानी क्यों कर रहा है। असल में स्टीव स्मिथ फील्डिंग सेट करने में कप्तान की मदद कर रहे थे। अब अंग्रेजों को लगा कि स्मिथ फिर से कप्तानी कर रहे हैं, तो बस फिर क्या था, अंग्रेज दर्शक भड़क गए और स्मिथ को मैदान में ही हूट करने लगे। अंग्रेज दर्शकों का कहना था कि वो क्यों कप्तानी कर रहा है। अब अंग्रेजों की इस हरकत पर स्मिथ तो चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए, मगर पोंटिंग ने करारा जवाब दिया। रिकी पोंटिंग ने कहा कि स्मिथ टीम का सीनियर खिलाड़ी है और उसके पास अनुभव भी है, अगर टिम पेन उसकी मदद ले रहा है तो इसमें गलत क्या है। यही नहीं, पोंटिंग ने तो ये भी कह दिया कि अंग्रेज होते कौन है हमारे मामले में दखल देने वाले। स्मिथ अपनी सजा काट कर आ चुका है और एक साल बाद फिर से वो कप्तान भी बन सकता है, लेकिन फिलहाल कप्तान टिम पेन है और वो उसकी मदद कर रहा है, यही पोंटिंग ने कहा। अब सच तो यह है कि वैसे तो अंग्रेज स्टीव स्मिथ को आउट नहीं कर पा रहे थे और इन्हीं सब गंदी हरकतों से दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। स्मिथ तो जेंटलमैन की तरह चुपचाप रहे, लेकिन पोंटिंग ने अंग्रेजों को उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब जरूर दे दिया। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।